हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं फिलहाल मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग या मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बारे में ये दोनों ही मॉडल्स uh, दोनों ही टॉपिक जो है ऑलमोस्ट सेम ही है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग बिकॉज पॉलिसीज आर अल्टीमेटली डिसीजन दैट वी मेक फॉर लॉन्गर रन तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है जितने भी मॉडल्स हम अभी कवर करें अभी हम तीन मॉडल्स कवर कर चुके हैं हर्बर्ट साइमन के बारे में साइमन का बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल हमने कवर किया फिर हमने इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में पढ़ा साथ ही साथ फिर हमने एडजियोनी का मिक्सड स्कैनिंग मॉडल भी पढ़ा ये तकरीबन तीन जो है हम कर चुके हैं कवर के बाद में दो और हैं इस पूरे लिस्ट में कुछ और भी है विचार जो नई अप्रोचेज है उनके बारे में हम बात करेंगे तब हम कुछ देखेंगे टॉपिक बट ऑलमोस्ट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हम कह सकते हैं फ्रिक्वेंटली पूछे जाते तो पांच मॉडल्स ही है उनके बारे में हमें ध्यान रखना है तो साइमन की शुरुआत हुई थी रैशनैलिटी बाउंडेड रैशनैलिटी कॉन्सेप्ट के साथ में इंक्रीमेंटल जो है एज अ क्रिटिसिजम ऑफ हर्बर्ट साइमन डेवलप हुआ लिंकूम का जो मॉडल था इंक्रीमेंटल वो डेवलप हुआ क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडल मॉडल देन इन दोनों के बीच की अप्रोच, जिसको हम कहते हैं थर्ड अप्रोच या, थर्ड या मेथड मिक्स्ड स्कैनिंग गिवन बाय उन्होंने दिया था उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड री एग्जामिन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन के, के अंदर आई थी

इस वर्ड का अगर मीनिंग ना पता हो कोई भी वर्ड इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी ऐसा शब्द मिल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किसी और सब्जेक्ट में जिसका मीनिंग आपको लगता है थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है नहीं पता क्लियर मीनिंग नहीं है तो आगे बढ़ने से पहले पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए ऑप्टिमम ऑप्टिमम जैसे होता है ना हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो हम उसका बेस्ट पॉसिबल यूज जो कर पाए हम उसको कहते हैं ऑप्टिमम यूज ये ऑप्टिमम मॉडल है क्या थोड़ा उसके बारे में जानते हैं इन्होंने इंक्रीमेंट जो अप्रोच थी इंक्रीमेंटलिस्ट अप्रोच उसका भी uh, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था था रिजेक्ट कर दिया था इस अप्रोच को और रैशनल एंड इंक्रीमेंटलिस्ट मॉडल के एक अल्टरनेटिव के तौर पे इन्होंने अपना मॉडल दिया था इन्होंने कहा कि जो ऑप्टिमल मॉडल है इट इज सुपीरियर मॉडल टू ऑल अदर एग्जिस्टिंग मॉडल सबसे सुपीरियर है ये क्यों क्योंकि इसमें रैशनल और इर, रैशनल uh, नहीं रैशनल और एक्स्ट्रा रैशनल एलिमेंट्स दोनों ही हैं नाउ व्हाट इज रैशनल एलिमेंट एंड व्हाट इज एक्सट्रा रैशनल एलिमेंट रैशनल इज लाइक जब हम बहुत ही साइंटिफिकली कैलकुलेट करते हैं भाई जैसे होता है ना यहाँ से मुझे सिटी ए से मुझे सिटी बी तक जाना है और तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है बाय ट्रेन बाय एरोप्लेन और बाय रोड आई कैन ट्रेवल तो इसमें से मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट कौन सा है इसमें तीन चार फैक्टर रहेंगे टाइम किसमें लग रहा है और मनी प्लस सेफ्टी भी हम प्रेफर कर सकते हैं तीनों ही चीज़ हम ध्यान में रखेंगे तो अगर टाइम हमारे पास कम है तो से फिर हम हो सकते हैं एरोप्लेन वाला ज्यादा अच्छे से चूज करें बट मे बी कई बार क्या होता है कि एरोप्लेन मान लो है ही नहीं उस बारह घंटे से पहले तो फिर हमें पता है बारह घंटे वी हैव हाँ टू वेट इससे अच्छा अपना रोड से चलते बाय रोड चलेंगे तो हम सिचुएशन के हिसाब से जो हमें बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव लगता है वो होता है रैशनल मेथड ठीक है एक्स्ट्रा रैशनल क्या हुआ एक्स्ट्रा रैशनल जैसे आपकी इमेजिनेशन होती है आपका इंट्यूशन होता है जैसे कई बार होता है ना कि आज मतलब ये चीज नहीं करनी जैसे मन हो रहा है कि आज नहीं करनी चाहिए बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स आपने सुने होंगे आसपास जो किसी इंसान ने कहा कि नहीं आज मन नहीं करा उसने जबरदस्ती से वो काम किया हो आ, या फिर उसने उस चीज को छोड़ दिया हो कि नहीं अगर मन नहीं करा और कोई अनहोनी होते होते टल गई हो कुछ इस तरीके का सम टाइम नॉट ओनली रैशनल बट एक्स्ट्रा रैशनल थिंग्स ऑल्सो वर्क इमेजिनेशन इन टूशन इट्स लाइक ठीक है जैसे मान लो अः uh, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है भीड़ इकट्ठी हो गई मॉब पता है आपको भीड़ इकट्ठी हो चुकी है

सेफ uh, जो है सबसे कम पैसा आपका कहां लग रहा है वो इकोनॉमिकली रैशनल होगा इट इट इज इज बेसिक रैशनल रैशनल टू इकोनॉमिकली विद मेटा पॉलिसी मेकिंग मेटा पॉलिसी मेकिंग के बारे में अभी हम बात करेंगे बट मेटा मेटावर्ड इज लाइक थोड़ा सा ब्रॉड ओवर व्यू वहां से आ जाता है मेटा पॉलिसी मेकिंग और इसके अंदर फीडबैक मैकेनिज्म भी इन ही है तो so, ड्रॉर कहते हैं उनका मेन आर्ग्यूमेंट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है

वैल्यूज हमारी हो सकती है कि इक्विटी होनी चाहिए सोसाइटी में जस्टिस होना चाहिए सोसाइटी में ठीक है ये हमारी वैल्यूज हैं हैं कई बार हम ऐसे decisions लेते हैं और गवर्नमेंट भी लेती है जहां पर हम अपनी जो नॉर्मेटिव वैल्यूज है उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं जैसे रिजर्वेशन का है रिजर्वेशन जो डिसीजन लिया गया है रेदर देन रैशनल ये काइंड ऑफ नॉर्मेटिव डिसीजन है जहां पर ये इंश्योर किया जाता है कि जो हमारे पिछड़ा वर्ग था उसको थोड़ा सा आगे लाया जा सके उनके strength, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम काम कर पाए तो नॉर्मेटिव सोसाइटी की वैल्यू को बिल्ड करने के लिए उसको स्ट्रेंथन करने के लिए है और रैशनल जो है जो हमारे पास रिसोर्सिस अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास उनका यूज करने के लिए दोबारा मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ एक गवर्नमेंट के पास कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन रिसोर्सेज का यूज करके गवर्नमेंट जो है अपने लोगों के लिए कुछ काम करना चाहती है मान लो वो डेवलपमेंट करना चाहती है रिसोर्सेज है डेवलपमेंट करना चाहती है तो रिसोर्सेज रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना मान लो हजार करोड़ रुपए और जनता भूखी है जनता के पास खाने के लिए जो है अनाज नहीं है तो थाउजेंड करोड़ में गवर्नमेंट व्हाट कैन गवर्नमेंट डू भी एक तो इमीडिएट सॉल्यूशन लेकर के हजार करोड़ में से पांच सौ करोड़ जो है आपने फ्री में राशन बटवा दिया ये ठीक है बाकी के पांच करोड़ आपने एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट कर दिया भी अगले साल भी ऐसी नौबत ना आए तो ये हुआ आपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया बट समहाउ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें नॉर्मेटिव कंसर्न्स को ध्यान में रखना पड़ेगा वी हैव टू फोकस ऑन आर नॉर्म्स आर वैल्यूज जब हम डिसीजंस ले रहे होते हैं ऐसा ड्रॉर का मानना तो ये सारी चीजें हैं अब एक चीज ध्यान रखना कि जैसे इन्होंने कहा कि रैशनल मॉडल अगर हम लेकर के आएंगे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रैशनल मॉडल अगर हम लेकर के आएंगे तो हम

आप सिटी ए से सिटी बी ट्रेवल करना चाहते हो तो एक्चुअल में ट्रेवल करने से पहले आप क्या करते हो ओवरव्यू लेते हो बिफोर डिसाइडिंग हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो मेटा पॉलिसी स्टेज होती है ये स्टेज है प्रिपरेशन हम करते हैं स्टेज के अंदर एंड हम पॉलिसी से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं और तकरीबन सात स्टेज इसके अंदर होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोसेस प्रोसेस वैल्यूज वैल्यूज मतलब भी मेरे हिसाब से ये चीज ज्यादा बेटर है अगर मैं एरोप्लेन का यूज करता हूँ या मैं बसेस का यूज करता हूँ तो मेरे लिए ये ज्यादा बेटर है वहां पे हम अपनी वैल्यूज को प्रोसेस करें गवर्नमेंट भी अगर डिसाइड कर रही है तो गवर्नमेंट ऑल्सो फार्म लॉज अगर वो लेकर के आते हैं या कोई भी काम करते हैं तो दे हैव हाँ टू प्रोसेस द वैल्यूज प्रोसेसिंग रियालिटी एक्चुअल में क्या चल रहा है वैल्यूज तो आइडियल होता है ना कि ऐसा करना चाहिए रियालिटी में क्या है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स सारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना पड़ेगा

पॉलिसी तो एक्चुअली पे फॉर्मुलेट की जाती है इसमें भी सात स्टेज है, है। मान लो हमने कह दिया कि thousand करोड़ जो है एग्रीकल्चर के लिए जाएगा तो वो उसमें से कितना जो है इरिगेशन के लिए जाएगा कितना उनको लोन वगैरह दिए जाएंगे तो वो डिफरेंट सेक्शन होते हैं उसमें सब एलोकेट किया जाएगा इस पॉलिसीज को एंड इट फर्दर इन्वॉल्व एक्चुअल डिजाइनिंग ऑफ द

Uh, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है तो फर्स्ट आपको खाने का अनाज देना पड़ेगा आपको एग्रीकल्चर के ऊपर लॉन्गर टाइम में आप इस चीज पे फोकस कर सकते हैं साथ ही साथ यू हैव टू प्रिपेयर अ सेट ऑफ मेजर अल्टरनेटिव पॉलिसीज जिसमें से कुछ अच्छी पॉलिसीज uh, भी हैं मतलब गुड वन स्टेप्स प्रिपेयरिंग रिलायबल प्रोडक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव वही है

Kind of implementation आ जाता है इसके अंदर अंदर या फिर फिर जो वगैरह वो उसके अंदर आ तो तो जब policy को किया किया गया implement किया गया तो फिर अलग अलग पे आपको decide करना पड़ेगा कि आ, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इवेलुएशन काइंड ऑफ ऑपरेटिंग डिसीजन जब यहाँ पर आप लेते हो तो आफ्टर इफेक्ट को भी आप इवेलुएट करोगे करेक्ट मेजर्स लोगे आप तो यहाँ पर कितने स्टेज है थर्ड फेज के अंदर मोटिवेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी आप एग्जीक्यूट करोगे देन करोगेट करोगे फिर कम्युनिकेट इन फीडबैक चैनल इंटरकनेक्टिंग ऑल काइंड ऑफ इसमें सारी आ गई फर्स्ट पहले स्टेज में हम ऑब्जर्व करके आए थे सेकेंड स्टेज में हमने पॉलिसी डिसाइड किया था डिसीजन लिया था एंड थर्ड स्टेज में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हम इसमें फीडबैक का मैकेनिज्म भी हमने एड कर रखा है तो ये सारे स्टेप हैं जैसे इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो अभी बनकर तैयार हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट होना स्टार्ट हो थी 2015 के बाद में ही तो नई पॉलिसी बने उससे पहले मेटा पॉलिसी आई थी जिसमें से जिसमें ढेर सारी प्रोसेस इन्वॉल्व थी बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया गया था डिफरेंट ग्रुप अकेडमिया एनजीओस एक्टिविस्ट कॉमन पीपल सबसे कंसल्ट किया गया उनके ओपिनियन पूछे गए थे एंड नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या कुछ होना चाहिए उसके बारे में बात करी गई थी उसके बाद में सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुआ था जिसमें एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाली कोर कमेटी बैठी थी उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनाई और एजुकेशन पॉलिसी की फिर थर्ड स्टेज है जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो फिर क्या प्रॉब्लम्स निकल करके आती हैं कैसे उनका सॉल्यूशन होता है वो थर्ड स्टेज में है तो जैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले भी ड्राफ्ट पॉलिसी ड्राफ्ट पॉलिसी मतलब हमने बना के रख दी पब्लिक का ओपिनियन अब हम इनवाइट करते हैं तो अब अगर आपको लगता है कि यस

आ, उम्मीद करती हूँ ड्रोर का जो मॉडल है कम्पलीटली आपको समझ में आ गया होगा आपको सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी एक बार सुनने से तो चीजें समझ में आ ही जाती हैं बट याद भी करनी पड़ेंगी आपको कल हम बात करेंगे गार्बेज कैन मॉडल के बारे में इंटरेस्टिंग सा है छोटा सा टॉपिक है बट काफी इंटरेस्टिंग है कई बार हम खुद खुद से पढ़ते हैं तो चीजें समझ में नहीं आती तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की गार्बेज कैन मॉडल साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कुछ मॉडर्न अप्रोच क्या है जैसे आजकल डिसीजन मेकिंग में ए का एलगोरिदम्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है बिग डेटा एनालिटिक्स बिग डेटा का भी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है तो हम उन चीजों के बारे में भी बात करेंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बता दूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड जो है आपको सबसे बढ़िया क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है और सबसे यूनिक कंटेंट भी आपको मिलता है यहाँ पे हमने पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लेक्चर सीरीज जो है वो कवर की हुई है अगर आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर आपको पेपर वन पेपर टू की दोनों वीडियो मिल जाएंगी। पेपर वन में 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 का है नोट्स आप हमसे खरीद सकते हो नोट्स आपको पीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे उन विडियोज के और इसके अलावा भी हम नई नई इनिशिएटिव्स लेकर के आते रहते हैं तो सब्सक्राइब करना है आपने और बहुत जल्द हम पीएसआईआर से रिलेटेड भी कंटेंट लेकर के आने वाले हैं तो अगर आप सोच रहे हैं पॉलिटिकल साइंस देने का सब्जेक्ट के तौर पे तो फिर डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमारे साथ पढ़ना पड़ेगा एंड दैट्स दैट्स मोर देन सफिशिएंट काइंड ऑफ फीस यू कैन पे अस जितना हम इनिशिएटिव जितना हम एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए तो जाते जाते मैं आपको बता दू माई नेम इज मनीषा सिंह एंड बेसिकली मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही कंटिन्यूसली पिछले तीन चार सालों से चैनल के ऊपर मैं टीच कर रही हूँ एंड uh, अब हम लेकर के आए हैं कॉलेज एस्पिरेंट्स के लिए या जो लोग कंपटीशन के आगे जाकर के तैयारी करने का सोच रहे हैं उनके लिए इग्नू के लिए इग्नू से रिलेटेड कंटेंट एंड इट बेसिकली टू द ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो ऑलमोस्ट जो कंटेंट होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है सो दीज लेक्चर्स आर रियली बेनिफिशियल फॉर यू कल मिलते हैं और आपका सब्सक्रिप्शन जो है तो सब्सक्राइब बटन है मैं उम्मीद करती हूँ आपने प्रेस कर दिया हो एक बार अगर सब्सक्राइब कर दिया तो फटाफट से कमेंट भी कर देना कि यस वी हैव सब्सक्राइब टू योर चैनल दैट्स फॉर मी ओके बाकी कल मिलते हैं टेक केयर एंड बाय बाय